बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरजान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज़ द ट्रेनर। वेलकम यू टू द लर्नर्स एकेडमी। वी आर स्टडिंग द कोर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन द मेजरमेंट। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 20। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड अबाउट द वैलिडिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वैलिडिटी, इट्स टाइप्स, एंड इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स टू द वैलिडिटी और सम इशूज़ डेट आर related to the concept of the validity and the factors which might has influence on the validity. Whenever you apply the any test, any scale, so it is necessary for you to find out or to consider the reliability and the validity of the test. But along with that, आपको उन factors के बारे में भी पता होना चाहिए that might have effect on the results, that might affect the validity, that might affect the reliability of the any test. जब हम लोग रिलायबिलिटी का टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने ये फैक्टर्स डिस्कस किए थे। सिमिलरली हमारे पास जब वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये वैलिडिटी हम लोग टेस्ट की फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सो इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है, जिनको देखना ज़रूरी है, जो आपकी वैलिडिटी को इफेक्ट, आपके टेस्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। उनमें एक चीज़ है, डेट इज़ द नेचर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है कि आप एक बार जिस ग्रुप पर अपना टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हो और आप सेम टेस्ट किसी और ग्रुप पे ऑन अनदर टाइम आप एडमिनिस्टर करते हो, तो हो सकता है कि आपके पास रिजल्ट्स या स्कोर्स डिफरेंट आएँ, आपकी वैलिडिटी इन्फ्लुएंस करें, बिकॉज दो जो ग्रुप्स हैं उनकी नेचर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो हेट्रोजेनेसी ऑफ द ग्रुप्स जो है वो एक फैक्टर है जो आपकी वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन इज़ द हेट्रोजेनिटी ऑफ द सैम्पल, कि जो सैम्पल है उसमें हेट्रोजेनस लोग हैं, हेट्रोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स, हेट्रोजेनस ट्रेट्स के लोग हैं, डिफरेंट ट्रेट्स के लोग हैं। ठीक है, आप सपोज अप्लाई कर रहे हैं उन पर इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके सैम्पल में लोग हैं वो हेट्रोजेनस इस तरह से हैं कि कुछ जो है वो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लेवल है, कुछ जो है वो बिलो एवरेज उनका इंटेलिजेंस लेवल है। यहाँ पे क्या है, उनके ट्रेट्स में डिफरेंस आ गया, तो ये भी आपकी टेस्ट की वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिमिलरली प्री सिलेक्शन, कि आपने सैंपल पहले से सिलेक्ट कर लिया, अभी आपने टेस्ट चूज़ नहीं किया, टेस्ट सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने सैंपल को पहले से सिलेक्ट करके रख लिया, तो ये वो फैक्टर है जो अगेन आपकी वैलिडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट एंड द क्राइटेरियन। जो यूजुअल जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है, कि आपका टेस्ट भी आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जो टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसको, उसका और आपका जो क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड्स हैं वो, उन दोनों का रिलेशन लीनियर होना चाहिए। जब लीनियर रिलेशन नहीं होता, नॉन लीनियर रिलेशन आता है बिटवीन द टेस्ट एंड द क्राइटेरियन ऑफ द टेस्ट, तो वहाँ पर भी वैलिडिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने सैंपल साइज़ को ज़रूर देखें, कि वेदर आप जो सैंपल साइज़ ले रहे हैं डेट इज़ एडवोकेट और नॉट। ठीक है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर कि जिन लोगों को आप अपने सैंपल में इंक्लूड कर रहे हैं, क्या वो लोग हेट्रोजेनस तो नहीं है। ठीक है, क्या उनका होमोजाइगस होना ज़रूरी है, उनमें ट्रेट्स, उनके सेम सिमिलर ट्रेट्स होना ज़रूरी है, ताकि आपकी वैलिडिटी पे इफेक्ट ना आए। ठीक है, फिर उसे इसी के साथ साथ आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने कंसिडर करना है, डेट इज़ कि जो ग्रुप जिस पे आप टेस्ट को एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना एग्जामिनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कौन से टाइप ऑफ वैलिडिटी आप देख रहे हैं उसको रिव्यू करना ज़रूरी है, कि आप कंकरेंट वैलिडिटी देख रहे हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी देख रहे हैं, फेस वैलिडिटी देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देख रहे हैं, आप कौन सी वैलिडिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उस पर फोकस करना भी ज़रूरी है। देन आपका जो प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी आप देखेंगे, आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेदर आपका जो टेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। देन आप जनरलाइजेशन को देखें, कि आप जो आपके पास जो वैलिडिटी आ रही है वेदर आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं या फिर वो स्पेसिफिक ही है, जो सैंपल पे आपने अपना टेस्ट एडमिनिस्टर किया उसके पास, उससे जो आपके पास वैलिडिटी आ रही है जस्ट आप उसको यूज़ करें। सो जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द वैलिडिटी को रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल हेल्प टू मेक योर टेस्ट मोर वैलिड। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।